अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तवानी मेज़बान सबीन मेमर। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में गाल कंदासीं केसीआर मनसूबे जे हवाले सां, जंहिंजी पीढ़ जो पत्थर अॼु वज़ीर आज़म पारां रखियो वियो। कराची में इन मनसूबे जो इफ़्तिताह कयो वियो। वज़ीर आज़म जो चवणु हो त ट्रेन जूं चार कोचिस हूंदियूं, 814 माण्हू इन में सफ़र करे सघंदा। 3 सालनि जो इहो मनसूबो आहे। इन मनसूबे खे 3 सालनि में मुकमल कयो वेंदो। 207 अरब रुपया ख़र्च कया वेंदा ऐं ट्रेक 29 किलोमीटर ताईं ड्रिगो हूंदो। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा अॼोके मनसूबे जे हवाले सां जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी तक़रीरनि जे हवाले सां ॻाल्हि कजे, त जिते सिंध जे गवर्नेंस जे हवाले सां उन्हनि जी तनक़ीद हुई, त उते उन्हनि बार बार पाकिस्तान, कराची, सिंध जा अखर पिणु इस्तेमालु पिए कया। वफ़ाक़ी वज़ीर जेकॾहिं असद उमर जी ॻाल्हि कजे, त असद उमर पारां चयो वियो त वफ़ाक़ी हुकूमत कराची जे 3 नालनि जी सफ़ाई में अहम किरदारु अदा कयो आहे। 3 नालनि जी सफ़ाई जो में 11 टन कचिरो कढियो वियो आहे। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेकॾहिं बरसाति पए थी त असां ॾिसूं था त पाणी बीहजी वञे थो। इन जे लाइ पिणु कमु कयो वेंदो। नवंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस जो इफ़्तिताह कयो वेंदो ऐं कराची जा 5 वॾा जेके मनसूबा आहिनि उन्हनि में पिणु जल्दी पेशरफ़्त कई वेंदी। इन हवाले सां असद उमर जो चवणु हो त कराची जा उहे 14 ज़िला पिणु, सिंध जा उहे 14 ज़िला पिणु नज़र में रखिया विया आहिनि, जिन ते वज़ीर आज़म अञा कमु कंदो। ऐं इन सॼे मामले ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तहत इन में पैसा रखिया विया, जंहिंमें वफ़ाक़ी हुकूमत जो वॾो हिसो आहे। इन ते बि ॻाल्हि कंदासीं, पर जॾहिं वज़ीर आज़म पारां इन मनसूबे जो इफ़्तिताह करण वक़्तु ख़िताब कयो वियो, वज़ीर आज़म पारां पिणु अॼु ॿोली जेका आहे सा तब्दील थियल असांखे नज़र आई। लहजो जेको आहे सो असांखे इन करे बि तब्दील थींदड़ नज़र आयो त वज़ीर आज़म पारां सिंध जे वॾे वज़ीर खे मुखातिबु थी चयो वियो त डिफ़रेंट पॉलिटिकल मामलनि में डिफ़रेंसिस ज़रूरु आहिनि, पर जेकॾहिं वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत गॾिजी कमु न कंदा त सिंध या मुल्क जी तरक़ी न थी सघंदी। बंडल आइलैंड जो जेको प्रोजेक्ट आहे उन ते वज़ीर आज़म पारां डायरेक्ट वॾे वज़ीर खे मुखातिबु थींदे चयो वियो त इन ते रीकंसिडर करण जी ज़रूरत आहे। इहो मनसूबो कराची जी तरक़ी जे लाइ फ़ाइदेमंद थींदो। वज़ीर आज़म जो चवणु हो त को हिकिड़ो शहर हूंदो आहे जेको सॼे मुल्क खे हलाईंदो आहे। वज़ीर आज़म पारां इन हवाले सां चयो वियो त जेकॾहिं इंजन ऑफ ग्रोथ जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त इंग्लैंड में लंडन, अमरीका में न्यूयॉर्क ऐं पाकिस्तान जे अंदरि कराची आहे जेको सॼे मुल्क खे हलाए सघे थो। अॼोके वज़ीर आज़म जी जेकॾहिं ॿोली जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं त इहा ॻाल्हि वाज़े साबित थिए थी त वज़ीर आला सिंध खे अॼु इन मीटिंग में पिणु घुरायो वियो, जॾहिं त आम तौर ते जॾहिं बि वज़ीर आज़म कराची यात्रा कंदो आहे त सिंध गवर्नमेंट या सिंध जो वॾो वज़ीर उन में शामिल न हूंदो आहे। वज़ीर आज़म पारां बंडल आइलैंड जे हवाले सां प्रोग्रेस जे हवाले सां वज़ीर आला खे चयो वियो त हिन खे रीकंसिडर करण जी ज़रूरत आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा सिंध जी सियासत में अहम तब्दीलियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं। कुझु ॾींहं असां ॾिठोसीं अॻु में त मेहताब अकबर राष्ट्री पारां पीटीआई पीपुल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कयो वियो। अॼु असां ॾिठोसीं त गौस अली शाह ऐं ज़फ़र अली शाह पारां पीटीआई में शामिलु थियण जो ऐलान कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म सां मुलाकात दौरान इन्हनि ॿिन्ही अॻवाणनि पारां जीडीए खे छॾे पीटीआई में शामिलु थियण जो ऐलान कयो वियो आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असां सां फोन लाइन ते मौजूदु आहिनि डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब, भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जी महिरबानी। डॉक्टर साहब, छा चवंदव सिंध जी सियासत में ही तब्दीली ईंदड़ आम चूंडुनि खां अॻु में पार्टी में शमूलियत जो जेके हिन वक़्तु थी रहियूं आहिनि? कुझु ॾींहं असां अॻु में ॾिठोसीं त मेहताब अकबर राजदी पंहिंजूं राहूं जुदा करे छॾियूं। अॼु असां ॾिठोसीं त गौस अली शाह ऐं ज़फ़र अली शाह पारां पीटीआई में शामिलु थियण जो ऐलान कयो वियो आहे। छा चवंदव? वरी इहो इलेक्शन जी वजह ईंदा आहिनि त यानी को ट्रेंड आहे पूरे पाकिस्तान में, इहो सिंध में तव्हांखे कुझु ॾींहनि ताईं इहो नज़र आयो आहे। जॾहिं जॾहिं इलेक्शन वजह ईंदा आहिनि त जेके बि उम्मीदवार हूंदा आहिनि जेके इलेक्शन वञणु चाहिनि था पिया, उहे पंहिंजी पसंदि जी पार्टी ते वेंदा आहिनि, उते शमूलियत अख़्तियार कंदा आहिनि, पोइ उन्हनि जी पार्टी ते उनखे टिकेट मिले या उहो टिकेट वठनि या उन सां कीअं अॻिते जेको आहे उनखे पंहिंजो लाइमल ठाहिणो हूंदो आहे। त इहो हिकिड़ो पाकिस्तान जी सियासत में हर इलेक्शन खां अॻु में जेको आहे असां अहिड़ियूं शयूं ॾिठियूं आहिनि। काफ़ी वेझी शख़्स जेका असां सही से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब सां या उन खां अॻु में या उन खां पोइ हर इलेक्शन जे खां अॻु में कुझु न कुझु जेके तब्दीलियूं हर उम्मीदवार जे ज़हन में ईंदियूं आहिनि, उहो पंहिंजी पसंदि जो प्लेटफॉर्म वठंदो आहे, पसंदि जी पार्टी में वञी शामिलु थींदो आहे। त मां सम्झां थो पियो त इहो अहिड़ो अमल आहे जंहिंखे तव्हां रोके नथा सघो। इहो अमल जेको आहे सो हर इलेक्शन खां अॻु में पाकिस्तान में नज़र आयो आहे ऐं अॻिते बि तव्हांखे अहिड़ो खे नज़र ईंदो। उन ई ज़मीन में जीअं पंहिंजो आप मेहताब यकीन मुंहिंजी नज़र में हिकिड़ो सिंध जे हवाले सां हिकिड़ो वॾो नालो आहे, हुन वञी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख़्तियार कई। यकीन हुनजी पंहिंजी मर्ज़ी हूंदी ऐं हेॾे अरसो पीपल्स पार्टी सां विढ़ण खां पोइ हुननि जी जेका शमूलियत हुई हुनजो जवाबु बि हू पाण पे त सम्झी ॾेई सघंदा पिया त उहा कहिड़े बुनियादनि ते हुननि पीपल्स पार्टी शमूलियत अख़्तियार कई। रहियो सुवाल पंहिंजो हाणे जेको अॼुकी अनाउंसमेंट थी आहे, अञा हुनजी क्लैरिफिकेशन मूं ताईं अञा कोन पहुती आहे, जेका ख़बर हले थी पई। मां बि एतिरी
खबर बुधी है पर यकीन साई हौसली शाह साई जफरी शाह साहब से छाई करो जीडीए के टिकट से इलेक्शन बीह चुका हुआ हाँ जी भी असि जीडीए की मीटिंग थी हुई उनमें भी शामिल होया अ ची सो फैसलो कड़े नमूने जो है जेस तीन असें प्रॉपर उनकी मौके का फीडबैक नी मिले तेस तीन मैं उनसे तस्वीर नो कर पर्टिकुलर इन बिन्हीं केसिस से चाहस या प्रॉपर खबर आबाजी साहब यकीनन सियासी इख्तलाफ हुजन था सियासी मामला हुजन था जीडीए ऑलरेडी वफाकी हुकूमत की इतिहादी है जीडीए में अगवाण निकरन था वे पीटीआई में शामिल थे इन जो कड़ो इम्पैक्ट पे तो इन जो कड़ो असर पे तो चलो मेहताब अकबर राष्ट्रीय साहब मुझे नजर में पीटीआई के टारगेट ही रुगो जीडीए के दोस्तों की करे थी पे तो उनको यकीनन एक खराब असर पे तो पर चाहे कर उनकी वफाकी हुकूमत आस जाती तौर से सो कें दोस्त की ये नो ची या नो चव चाहें तो कड़े प्लेटफॉर्म से वन चाहन था पे असा कोशिश है कोशिश सो जो शुरू कई है अ भी जारी रख पीपुल्स पार्टी का जो मुकाबलो लोकल लेवल से इतिहाद कर सी साई हौसली शाह या साई जफली शाह मुख्य खबर है अं उन फैसलो कर पर जो फैसलो कन भी था वो भी उनके भी दोस्तों की जरूरत पवी हल्क में जो इलेक्शन विड़ या खटण के लिए सो समझा तो पो ती उतें बीठो सिंध में जो सो पार्टियों का बाला थी एक इतिहाद की जरूरत है लोकल लेवल के इतिहाद की जरूरत है क्यों जी अस एग्जाम्पल के तौर पर हमेशा लाड़कान अवामी इतिहाद जो सो एग्जाम्पल दी लाड़कान अवामी इतिहाद एक कामयाब जो सो तजुर्बो हो तजुर्बे के तहत अस इलेक्शन वड़ीस तमाम सुना रिजल्ट आया ठीक है अस खटी जरूर एक इलेक्शन होंगी पर हर इलेक्शन हर सीट से जो बाकायदे मुकाबलो बिलाल साहब की पांच सीट से भी सो मौलाना राशिद सूबे साहब तमाम भरपूर मुकाबलो किया तो अचान वाले दिन में मुझी नजर में प्लेटफॉर्म कोई भी दोस्त पीपुल्स पार्टी के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म वे पर उनके इलेक्शन के खटने के लिए उनके बेन दोस्तों की जरूरत पवी जरूरी ना तो वह उन पार्टी जहा दोस्त जिन में वो वन पाया जी पोलिटिकल पार्टीज उनकी पोलिटिकल अलायंसेज उनकी भी जो उनके उतने जरूरत पवी सो मैं यो समझा तो पे तो अचान वाले दिन में जो फॉर्मूलो अस दिनोसो मौलाना राशिद सूबे साहब असि गजी जो फॉर्मूलो दिखा अं भी मुझी नजर में उही फॉर्मूलो कारगर आजारी लीग या जरदारी पार्टी से मुकाबलो कर आबासी साहब जे अगवाण फंक्शनल लीग में जीडीए के प्लेटफॉर्म से आया वरी जीडीए जो प्लेटफॉर्म छड़े जर बन पार्टियों में वन था तो यकीनन जीडीए की कारकर्दगी में पिण उ मायूस हूँ तद बन पार्टियों में वन जो फैसलो कन पे हमेशा एक कें इंडिविजुअल से नो तबसरों करना चाहें छाई करो तमाम मोहतरम नाला मोहतरम नाल के हवाले से का तबसरों नो करना चाहें पर मैं एक जनरल गाल क्या तो पो तो कारकर्दगी सो हमेशा क्वेश्चन मार्क्स सोची सकता पाया और जी तक चुम तो अक्सर फैसला जो इलेक्शन काल में मुस्तबिल के इलेक्शन के मद्देनजर रखती मुख्तलिफ सियासी जी शख्सियात उसे उन फैसलो कंदो सो मैं अं भी उन नजर से कें तनकीदी गाल से नो ऐसा चाहें पर जी हकीकतू आज सिंध की पॉलिटिक्स जो उनके बयान कर चाहें तो अज भी जैसे इलेक्शन विड़नी है या उनके अगते सियासत करनी है तो उनके बन सभी प्लेटफॉर्म था उनकी जरूरत पवी थोड़ी वो कें भी पार्टी में शामिल थे पीपुल्स पार्टी के अलावा आबासी साहब तुम बार बार यह गाल रिपीट कर इलेक्शन खटने के लिए उन पार्टियों की जरूरत पवी जैमें वे निकता या जरूरी ना तो उसे पार्टी उन मदद कर सन जिन में उन हाँ शमूलियत जो उन पारा ऐलान किया जैसे जरूरत पीटीआई के दोस्त की यह गाल बावजूद इन गाल के तो सो जीडीए के दोस्त की पानी पार्टी में शामिल किया हालांकि अलायंस में वेठा आयो अ सपोर्ट था क्यों पाया असा मेंबरान उनकी कॉलिशन में शामिल असाया मेंबरान जैसे उनकी सूबाई असेंबली में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सपोर्ट था कन पाया उनके बावजूद भी जो यो कदम खड़न था पाया तो मैं अज भी उनकी यह गाल कस जे इलेक्शन खटनी है तो उनके सभी दोस्तों के गुड खड़ी हलो पवो जे इंडिविजुअल यो चाहता तो वह इलेक्शन विड़न और खटन कड़ा भी नाला हुन तो मदद चाहस वो शायद मुमकिन न पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ठीक आबाजी साहब जीडीए की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से केतरो असर पे तो जीडीए एक तरफ वफाकी हुकूमत की इतिहादी है बे तरफ पीटीआई की
पार्टी आहे गवर्नमेंट आहे उहा जीडीए जा माण्हू टोड़े उन पंहिंजी पार्टी में शामिल पई करे त जीडीए जी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऐं एतमाद किथे वञी बीहंदो? ॾिसो मां त अॼु बि इहो सम्झां थो पियो त जेके जीडीए टिकट ते जेके दोस्त बीठा आहिनि वॾी तादाद में आहिनि जेको अञा ताईं उते बीठा आहिनि जेके इलेक्टेड असांजा एमपीएस आहिनि असांजा इलेक्टेड एमएनए आहिनि हिकिड़ो बि जेको आहे पार्टी छॾे अञा कोन वियो आहे। सो मां सम्झां थो पियो त जीडीए हिकिड़ो बि जीडीए छॾे कोन वियो आहे। अञा बि जेके असांजा बेतहाशा कैंडिडेट्स आहिनि जेके अञा अॼु बि जीडीए प्लेटफॉर्म ते बीठा आहिनि ऐं जीडीए प्लेटफॉर्म ते ई जो सियासत करणु चाहिनि था पिया। सो मां सम्झां थो हिकिड़ी इंडिविजुअल एक्ट आहे। गोके नाला वॾा आहिनि जेके आहिनि मां साईं हौसले शाह जी इंतिहाई इज़त कंदो आहियां ऐं मां हुनजी तमामु वॾी मुंहिंजे दिलि में हुनजे लाइ रिस्पेक्ट आहे। अहिड़ी त साईं सफ़री शाह तमामु हिकिड़ो वॾो नालो आहे सिंधी सियासत जो। मां हुनजी ज़ाती रिस्पेक्ट कंदो आहियां। हुन सां हिकु ज़ाती असांजा रिश्ता ऐं तालुक आहिनि। हुननि इहो फ़ैसिलो ज़रूरु कयो आहे पर अञा ताईं मां इहो फ़ैसिलो कयां थो पियो त अॻिते हली जेसिताईं उहो तावन ॿियनि खां न वठंदा त हुनजी शायदि पंहिंजी इलेक्शन बि ॾाढी ॾुखी थींदी। ऐं अबासी साहिब जेकॾहिं ॿियनि खां तावन वठण जूं कोशिशूं कनि था दरख़्वास्त कंदा त छा उहे ॿिया हुननि सां तावन कंदा? बाबा ॾिसो यानी तव्हांजो प्लेटफॉर्म जीअं मां तव्हांखे मां वरी इहा ॻाल्हि चवंदुसि त अञा मूंखे पर्टिकुलर उहा ख़बर अञा मूं ताईं न पहुती आहे। अञा मां चाहियां थो पियो त बाबा इहा शइ यानी हुनजे वातो अचे निकिरे त बाबा हुन छा फ़ैसिलो कयो आहे। हिन हवाले सां एतिरी हद ताईं त अञा मां ताईं उहो फ़ैसिलो कोन पहुतो आहे पर मां तव्हांखे हिकिड़ी जनरल ॻाल्हि जेका सम्झाइण जी कोशिशि कयां थो त कोई बि दोस्त जेको फ़ैसिलो अहिड़ो करे थो पियो जेसिताईं बाक़ी जेके कुवतूं आहिनि सिंध जूं लोकल लेवल ते बि इलाही माण्हू वेठा आहिनि जेके पंहिंजी हिकिड़ी सोच पंहिंजी इंफ़्रादियत रखनि था पिया जेसिताईं जेको आहे सो इहो ज़िले जी लेवल ते वञी लोकल इतिहाद न ठहंदा लाड़काणे इतिहाद अवामी इतिहाद जे पैटर्न ते तेसिताईं मुंहिंजी नज़र में कंहिंजे लाइ बि जेको आहे इलेक्शन आसान न आहे। अबासी साहब आख़िरी सवाल तव्हां खां, छा तव्हां पारां बि कंहिं पार्टी में शमूलियत जो इन तरह जो को सोच वीचार थिए पई या पीपल्स पार्टी पारां तव्हां सां राब्तो कयो वियो आहे या तव्हांजो को राब्तो पीपल्स पार्टी में शामिल थियण जे हवाले सां? न ॾिसो ॻाल्हि त मां कमीशन ॻाल्हि मेंटेन कई आहे सियासत में कहिड़ी दरवाज़ो कोन बंदि थींदा आहिनि पर असां पंहिंजी हिकिड़ी सोच जे तहत जेको आहे जीडीए साहिब गॾु बीठा आहियूं ऐं असां जॾहिं शमूलियत इख़्तियार कई ते जॾहिं इहो अलायंस कयो त मुंहिंजी पार्टी जीडीए अलायंस जी हिकिड़ी मेंबर आहे। जीडीए जो अलायंस जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स जेको आहे हुनजी बाक़ाइदा मेंबर आहे। मां कीअं जेको आहे पंहिंजी पार्टी खे हुन मां ॿाहिरि कढी वञी जेको आहे कंहिं ॿी पार्टी में हुनखे ज़म कंदुसि? मां त पंहिंजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स ते बीठो आहियां जेको जंहिंजो मां सदर आहियां ऐं जेका मेंबर आहे जीडीए जी। त मां हुनखे उतां कढी कीअं वञी कंहिं ॿाहिरि ऐं ॿिया मुंहिंजा जेके दोस्त अॼु साथी जेके गॾु असां सां बीठा आहिनि अॼु मां उन्हनि खे जेको आहे पंहिंजो डिच करे या हुनखे छॾे मां वञी कंहिं ॿिए प्लेटफॉर्म ते वञा त इहो शायदि असांजी सिरिश्त में कोन्हे। को मां चाहींदुसि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स पंहिंजो पंहिंजी जाइ ते क़ाइमु दायम हुजे ऐं उहा जेको आहे हिन महिल जीडीए एलआईसी मेंबर आहे इंशाअल्लाह ताला असां उन प्लेटफॉर्म ते अॻिते हली पंहिंजी सियासत कंदासीं। वॾी महिरबानी अबासी साहब तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नाज़रीन जी डी अॻवान डॉक्टर सफदर अबासी असां सां गॾु आहे। हुननि जो चवणु हो त फौरी तौरु हू इन फ़ैसिले ते को बि कमेंट नथा करणु चाहिनि। हुननि जो चवणु हो त गौस अली शाह ऐं ज़फ़र अली शाह बाबति पीटीआई में शमूलियत जे हवाले सां अञा ताईं हुननि वटि का कन्फर्मेशन न आहे पहुती। जेकॾहिं इन तरह जो फ़ैसिलो कयो बि वियो आहे त पोइ बि अहिड़नि माण्हुनि खे ज़रूरु उन्हनि पार्टियुनि जी ज़रूरत पवंदी आहे जंहिंमें उहे अॻु में शामिल हुआ। इहा ज़रूरी न आहे त जिन पार्टियुनि में हू शामिल थियनि था उहे इलेक्शन खटण में हुननि जी मदद करे सघनि। अबासी साहिब जो चवणु हो त कम्युनिटी लेवल ते लोकल सतह ते उन्हनि खे ज़रूरत हूंदी आहे अहिड़नि जेके नंढा इतिहाद लाड़काणो इतिहाद या पीपी मुख़ालिफ़ इतिहाद जेके ठहनि था उन्हनि जो मेन मक़सदु पीपल्स पार्टी सां इलेक्शन विहणु आहे त हुनजो चवणु हो त उन्हनि माण्हुनि खे उन्हनि जेका इतिहादनि जी ज़रूरत ज़रूरु पवे थी। हुननि जो चवणु हो त हू फ़िलहालु इन मामले ते का बि ॻाल्हि नथा करणु चाहिनि। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे पीपल्स पार्टी सां तालुक रखंदड़ मेहताब अकबर राष्ट्री साहिब जॉइन कयो आहे। मेहताब साहिब भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। मेहताब साहिब छा चवंदो अॼु वज़ीर आज़म पारां कराची सर्कुलर रेलवे जो जी पीड़ जो पथर रखियो वियो आहे इन मनसूबे खे कराची जे लाइ हिकिड़ी वॾी कामयाबी क़रार ॾिनो पियो वञे जॾहिं त ॿिए पासे पीपल्स पार्टी पारां हिन ते सख़्त तनक़ीद कई वई आहे त कराची सर्कुलर रेलवे जी कंहिं बि फोरम मंज़ूरी न ॾिनी आहे अञा कंसल्टेंट जूं ख़िदमतूं बि हासिलु न कयूं वियूं आहिनि। ॿिनि सालनि जो अरसो लॻी सघे थो। पीपल्स पार्टी जो चवणु आहे त रिथा जो इफ़्तिताह क़ौमी नाणे खे तबाह करणु बराबरि आहे। छा चवंदो?
बाबा गाल है तो मनसूबो केर भी शुरू करे तो पे तो उनके लिए सिर्फ 30,000 अक्षर रखना काफी न हूं पर उनके भी यात्री रिक्वेस्ट हूँ उसे भी पूरा करना जरूरी है तो जन न ध्यान पीपल्स पार्टी के तरफ दियारे थी मुझो ख्याल है उनके बुधन खपे ये सब शे आदो हो छो तो जे कम पूरा ना तो अगत हली तबर हर पार्टी कानून कानून के भजकड़न करी शतारण कें न कें में केंद्र अटकी पी है ठीक है तो करे मां समझा थी तो इनके शो एहसास भी थे खे पर मनसूबो मानू के फायदे जो है वो शुरू थियण वे तो उन्हें प्री रिक्वेस्ट पूरा करें शुरू कर ताकि उनको लाभ सभी के मिले सही मेहताब साहब आज अगर वजीर आजम की तकरीर तुम भी बुद्धि हुए तो वजीर आजम या वफाकी वजीरन पारा बिल्कुल वाजे लफ्जन में चयो वो तो पॉलिटिकल डिफरेंसिस वफाकी सूबाई सिंध हुकूमत जी जगह से पर जैसे वफाकी सूबो एक बेसा ताउन न कंदा तो न रुगो सिंध पर मुल्क भी तरक्की न कर सकंदो इन हवाले से बंडल आइलैंड के प्रोजेक्ट के हवाले से वजीर आला के पिण वजीर आजम पारा दरख्वास्त कई वही तो इन मनसूबे के रिकन्सिडर किया वे चवंदो इन हवाले से सिंध में अग में भी तमाम घना एहतजाज थी चुका है ऐसो हर शे में कें जहाँ हर शे जहाँ चंगा खराब बई पासा हूँ प्रोज एंड कॉन्स हूँ जे सारी दुनिया में जी असूँ था रुगो असो ही मुल्क ना अड़ो पर सारी दुनिया में भी जोग्राफिकली अड़े किस्म जहा बेट भी हूँ उन्होंने उनके मुताबिक पर सभी का पहली जी बुनियादी शे विफाक सूबन की हम आहंगी मुख्तलिफ मौक मुख्तलिफ स्कीम से उम थ तमाम जरूरी है जैसे सिर्फ ये हुए तो मथा कोई भी स्कीम के कोई सूबो उनके रद्द करो वे बगैर सबब के वो भी को सूबा जो चवन था वह शे विफाक कंसीडर न कर भी मुनासिब को जैसे सिंध के मानून जा उनके खिलाफ कोई दलील एहतजाज किया बेटन के अड़े नमूने से शामिल न किया वे तो पान में गजी वेही कान का राह वह कढ़ी सकन था मानून के स्टेक होल्डर्स के उन्हें शामिल कर सके तो कान का रस्तों निकरी सके तो पर गाल है तो असा दिखो तो वफाक सूबा थे तो वो सिंध की गाल मां नी क्या इवन जी ऑपोजिशन पार्टीज उो इतमाद वफाकी हुकूमत में नी कर हेठ नहीं अचण पव जो मू प्यार में है इकदार में है बन झूलन के पान से गड कठी हलण के हेठ निमणो पव वेहणो पव गाल करनी पवी छो तो इन इन ऐसी मू जो तकलीफ में है आम मू तकलीफ में है वो ट्रांसपोर्टेशन हो शहर रहें या कें भी किस्म जो कोई भी फायद हुकूमत कें भी दियन चाहे थी पर जैसे अगली टोल एतबार को एतबार मानून के पे इनमें वो तमाम जरूरी है उन बगैर कोई भी स्कीम कामयाब नी मेहताब साहब तमाम सियासी मामलो थी वो हो कुछ वक्त अग में जैसे इंतरा जो यकीन तह भी इनते गौर किया होंद हाँ जो ताजो ही थोड़ा सूबाई हदों अंदर सामुंडी पट्टी का कराची कोस्टल डेवलपमेंट जो मनसूबो है जैसे सी पेक में पिण वफाकी हुकूमत पारा नसायली पट्टी के शामिल किया है 23 सेप्टेम्बर से इनको ऐलान पिण किया इन हवाले से तुम चवंद सूबाई हुकूमत की मर्जी का बिना यो मामलो भी किया वो है वही गाल जै सूबे में स्कीम शुरू थी थे वो सूबो जैसे शामिल को मर्जी शामिल को किए थी थे पी तो कड़ी स्कीम हल्दी सुबह वही मू जो एतराज कना जाहिर तरह का यो एतराज थे तो असि मर्जी को सवाल या असे इतमाद में वन को सवाल विश्वास यो फैसला किए तो करे वो यह जमहूरियत तो को थी न इन करें वही बीहर वर्जाइंद फेडरल गवर्नमेंट के होद तो लगी हेठ अची बिल्कुल खुल दिमाग से नेक नियति से चाहे कें भी सूबे में जो भी मनसूबो हुए
उनसा वेही उनके गलो पव ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आूबे के वे तादाद उनके मुंतखब किया कें भी नजरअंदाज ना कर मेहताब साहब एकड़ो सिंध जी सियासत में तब्दीलियों भी तमाम घणियों असा दिसू पे जी चूंडू वेजो अचन पयो थोड़ो वक्त बचो आहे त तब्दीली भी अचे पई तहां पारा पिण पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कयो वयो जडे त तहां सरे फेरिस्त हुंदा पीपल्स पार्टी जी बेड गवर्नेंस से तनकीद कंदड़न में अज असा डिठो सी त जीडीए के एकड़ो बियो वडो धचको लगो आहे गौस अली शाह जफर अली शाह पारा पीटीआई में शमूलियत जो ऐलान कयो वयो आहे सिंध में इंतरा जी सियासी तब्दीली जे हवाले सा तहां छा चवंदो खबर है गफर अली शाह खबर को चूडन के न सिर्फ आया हूं असि काफी अर्से पीपुल्स पार्टी अप्रोच कही हुई अस लड़कड़े में आयो वो वोट बैंक है असो अस पार्टी से मुंतलिक हुआ गुजरियल वी साल हर इलेक्शन असड़ी आे नंबर से आया हूं माना असरी स्टैंडिंग है पर उनमें असी पार्टी हुई उन ही असे पासीरो कर चवन न चाहिंद छो कि निकलण का कें भी पार्टी से कें किस्म की इल्जाम तराशी मुनासिब ना है पर यकीन का अड़ी गाल होंगी जैसे करके नजरअंदाज कर अस शायद उनकी इतमाद से पूरा न हुआसे या कम के लायक न समझ कें शे में टे साल टे साल शामिल ही न हुआसे तिठो हों कें भी पोलिटिकल एक्टिविटी में असे न सलो वो न घुरा वो न पुछो वो तो बाबा कोई मानू तो ये इंडिफिनिटी लड़की तो नो वही सके ना जैसे सियासत करनी आरो फैसलो करो तो करे मां जैसे तनकीद कही रही आदगी से बनीसियत अपोजिशन बैचेस से वेहण के वह तनकीद बराए इसलाह समझो कें जातियात से कदें मान गो पर हुकूमत हुए थी इकतदार में उनके मतों वही जिम्मेदारी थी थे तुम मनसूबा ठा वो इम्प्लीमेंट न थन मानू तकलीफ में अचन उन पार्टी तो को बुधाइंदी असाई बुधाइंदे मुझे गालन के काफी गौर भी थी बुधंदा भी हुआ पर हाँ जैसे पार्टी में आई आया तो रात को एक ढी में या चौवी कलाक पार्टी की कारकर्दगी बेहतर तो कोई ना पर कम अज कम उन्होंने विच में वेहा थी तो उन गाल निशान बही यकीन कदस जी हक में नी वे जैसे कर मू परेशान छो तो हुक्मरान पार्टी होंगी है उन इतदार हों उन रिसोर्सिस हूं वसीला हूं गाल सिर्फ इनकी होंगी तेड़े नमूने से हलो था इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में वो था वहाँ विल हुआ खे तो कम आसान थी वन हाँ जैसे थोड़ो वक्त रह मू पार्टी मटान था हर कें भी तारी मर्जी है छो तो सियासी मैदान में जी शस्तकिल है तो वह है सिर्फ तब्दीली तब्दीली ई थी रही है मानू का शी और फोकस तलाश कह सो असा अप्रोच करो इज्जत से तमाम सुठे नमूने इन इन अंडरस्टैंडिंग से तो शायद असि मौजूदगी में असो कम वी सकन जो मानून के फायदे भी हुए जो लड़कने में असि कॉन्स्टिट्युएंसी के मानून के रिलीफ दे बाकी भी जी पीपल्स पार्टी जहा मू उन्होंने भी रहबरी रहनुमाई करें सूबे के लिए कोई कम कर सकूँ असड़े नमूने से कम कर जै भी पोजिशन में वह तमाम बिठी होंगी जिन मानून की बिठी होंगी का शे तो होंगी ना जैसे ऐसी असि वो तो असा पार्टी में वनों तो सलाहियत मुताबिक अस कम कदे यकीन तवको रखा थी तो पार्टी जी भी अस सलाह वगैरह वी या उनमें शामिल कभी तो असके मानून के रिक्वायरमेंट उनके जरूरियात के आदो रखे ही असके सलाह दींदे सही वही मेहरबानी मेहताब अकबर राष्ट्री साहबा तुम मौकफ देने प्रोग्राम में ज्वाइन कर नाजरीन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखंदड़ मेहताब अकबर राष्ट्री साहब असा सा गड़ी उन्होंने चवण हो तो अड़ो को भी मनसूबो उन कम शुरू न तो कर सके जैस तई सूबो उन मुतफिक न तो थे सूबे जो अवाम उन मुतफिक न तो थे इन अलावा सियासी वाबस्तगी के हवा से उन्होंने चवण हो तो
जेके भी उन्हनि सां गुज़िरियल पार्टी प्रीवियस पार्टी जे हवाले सां उन्हनि जा जेके बि मामला रहिया उन्हनि में वधीक उन्हनि जो चवणो त कुझु नथियूं चवणु चाहिनि। उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो वियो, कंहिं बि फ़ैसिले सलाह मशवरे में उन्हनि खे 3.5 सालनि ताईं शामिलु न कयो वियो। पीपल्स पार्टी जे हवाले सां उन्हनि जो चवणो त पीपल्स पार्टी में शमूलियत जे हवाले सां पार्टी पारां उन्हनि खे अप्रोच कयो वियो ऐं हू कोशिशि कंदा त इन पार्टी में रही करे बि पीपल्स पार्टी जी इस्तलाह करण जी कोशिशि कई वञे ऐं माण्हुनि जे जेके बि सही कम आहिनि उन्हनि खे हिमथायो वञे, जिथे जिथे बेड गवर्नेंस आहे ऐं उन जी निशानदेही कई वञे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे सियासी तर्ज़ निगार जामी चांडियो साहिबु जॉइन कयो आहे। वज़ीर आज़म अॼु KCR जो इफ़्तिताह कयो, कोस्टल डेवलपमेंट जेको मनसूबो आहे या बंडल आइलैंड जे हवाले सां जेका वज़ीर आज़म अॼु वॾे वज़ीर खे मुख़ातिबु थींदे उनखे चयो त उन मनसूबे खे रीकंसिडर कयो वञे, हिन हवाले सां जामी चांडियो साहिब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जामी साहिबु भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। ॿुधाइजो त अॼु वज़ीर आज़म पारां कराची में KCR जो इफ़्तिताह कयो वियो। वज़ीर आज़म पारां इहो पिणु वाज़े लफ़्ज़नि में चयो वियो त पॉलिटिकल डिफ़रेंसिस बावजूदि वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत खे हिकु ॿिए सां ताउन करण जी ज़रूरत आहे, तॾहिं मुल्क ऐं सूबो तरक़ी करे सघंदो। वज़ीर आज़म जी ॿोली में, लैंग्वेज में, टॉकिंग में असांखे तमामु घणो अॼु तब्दीली नज़र आई, छा चवंदो हिन हवाले सां? ॾिसो, सभिनि हाणे ॻाल्हि इहा आहे त मतिलबु तरक़ी हिकिड़ो अहिड़ो टर्म आहे जंहिंखे हर को पंहिंजे मफ़ाद में इस्तेमालु करे थो जी। ऐं तव्हां ॾिसो त सरमाएदार कंपनियूं हुजनि, कॉर्पोरेट कंपनियूं हुजनि, वसाई गवर्नमेंट हुजे, सिंध गवर्नमेंट हुजे, प्राइवेट सेक्टर हुजे, हर कंहिं वटि लफ़्ज़ ज़हन में ऐं ज़बान ते लफ़ तरक़ी जो आहे। सुवालु इहो आहे त असांखे पहिरियों सुवालु इहो आहे त तरक़ी कंहिंजी ऐं तरक़ी जो बेनिफिशरी केरु हूंदो? जेकॾहिं तरक़ी जो सुवाल आहे त सिंध में 29 ज़िला आहिनि, कराची जे ज़िलनि समेत, ऐं सिंध जे अंदरि 5-6 करोड़ माण्हुनि जी आबादी आहे, ऐं तव्हां ॾिसो त असरती आबादी खे बुनियादी सहूलियतूं मुयसरु न आहिनि, पीअण जो पाणी मुयसरु न आहे, जेको बि इंफ्रास्ट्रक्चर आहे ऐं सर्विसिस जो सेक्टर आहे उहो सॼो फ्रेजाइल आहे, तबाह हाल आहे जी। हाणे वफ़ाकी हुकूमत जे टेबल ते उहा तरक़ी न आहे। बाक़ी तरक़ी जो मतिलबु आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जुगाड़ करे सूबे जूं ज़मीनूं खसे, पेट खसे, ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट खे ब्लैकमेल करे हिसाए या उन्हनि सां गुजगो में छा करे ऐं तव्हां फौरी तौर ते उन्हनि खे सेल आउट करे ऐं सरमाएदार कंपनी जा पैसा वठो ऐं पंहिंजे उन्हनि लाइ इस्तेमालु कयो। त सभ खां पहिरियों त मुंहिंजो चवणु इहो आहे त इहो तरक़ी जे नाले में हिकु जोखो आहे, हिकिड़ो ठगी जो ठाव आहे, ऐं इनखे अवामी ख़्याल खां ऐं हक़ीक़ी माना में कॾहिं बि तरक़ी चवणु मुमकिन न आहे। इन करे पहिरीं त ॻाल्हि आहे त जेके वफ़ाकी तरक़ी तॾहिं चइबी जॾहिं तव्हां आम माण्हू जी ज़िंदगी में वञो, तव्हां जिते आम माण्हू रहे थो उन्हनि जे वसननि खे ठीकु कयो, उते सर्विसिस ॾियो, उते रस्ता ॾियो, रोड ॾियो, उते सिहत ॾियो, तालीमी सहूलियतूं आहिनि, जेके बि सभु शोभा आहिनि। त हाणे जेका हक़ीक़ी तरक़ी आहे उहा त न वफ़ाकी हुकूमत जे एजेंडा ते आहे, न सिंध हुकूमत एजेंडा ते आहे, ऐं ज़ाहिर आहे त कॉर्पोरेट सेक्टर त उन्हनि में बिल्कुलु न ईंदो। त हीअ तरक़ी जे नाले में हिकिड़ो फ्रॉड आहे जेको पाकिस्तान में अॻे बि हुयो पर हाणे तेज़ थियो आहे, छाकाणि त हाणे जॾहिं हिननि खे हे बिल्कुलु ईअं आहे, मां खाधो मिसाल ॾियां त जीअं हीरोइन छुटंदो आहे त पंहिंजे घर जा त्रपण खपंदो आहे, मतिलबु हाणे जॾहिं तव्हां कर्ज़नि में ॿुधल आहियो, जॾहिं तव्हांजी मईशत परफॉर्म न पई करे, त हिननि खे सम्झ में इहो आयो आहे त सवलो ऐं सादो तरीक़ो इहो आहे त जेके ज़मीनूं ऐं वसीला पिया आहिनि उन्हनि खे तव्हां कॉर्पोरेट सेक्टर खे खपाइजो, विकिणी ॾियो, आलमी कुवतनि सां ऐं कंपनियुनि सां मुआदा कयो ऐं फौरी पैसा वठो, हाणे इन ॻाल्हि तरक़ी रखियो आहे। सवालु इहो आहे त इहा साॻी लियारी मिसाल थो रख, उहा लियारी जे अंदरि तव्हां ॾिसो त तव्हां कराची में शहर ॾिसो था, तव्हां रहो था ऐं वरी लियारी वञो त लियारी ॼण त सदियूं पोइ ते आहे। त जेको आम लियारी जो माण्हू आहे उनखे त कॾहिं तव्हां तरक़ी कोन ॾियारी आहे। जेके ॿेट आहिनि उहे ॿेट तरक़ी असां चऊं त तरक़ी थियणु खपे, उहा तरक़ी थियणु खपे मुहाणनि जे लाइ, तरक़ी थियणु खपे मक़ामी आबादियुनि जे लाइ, तरक़ी थियणु खपे माहौल खे बचाइण जे लाइ, तरक़ी थियणु खपे मैंग्रोव फॉरेस्ट खे बचाइण जे लाइ, तरक़ी थियणु खपे मक़ामी माण्हू जे रोज़गार जे लाइ। की न इहा तरक़ी आहे त तव्हां माण्हुनि खे डिसलोकेट करे ज़ोरी कब्ज़ा करे ऐं पोइ तव्हांजी तरक़ी आहे, असां ॿेटनि जी तरक़ी आहे कराची जे शहर जी,
यो पहली गाल से आए जो तरक्की जो पूरो जो मॉडल आउ फ्रॉड है मेरे आने चुके ना गाल से तेरे को इमरान खान की जगह कहाँ से लहजो साफ हो लहजो साफ इन्हें करे हो जो उन्हें छह तेरे साल नाकामी होता में एक कामयाबी होता में काब ना है एक जेके इन्हें संध के अंदर उरा जोराई तो यूं उनके संध के मानुन इमरान खान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खा गया एंड लिखी ना देखा पर संध के मानुन संध के इस्तेमाल शौर उनकी मजामत कई उनके वापस बरा आए ही वो न कर सकिया जाहिरा हाँ टे साल इनके थी गए उनमें कामयाब किताब ना है इनको नाकाम हुकूमत है इन कर वक्त बजायर एक साफ रवैयो खन इमरान खान आयो है सिंध हुकूमत का गर्जी पर जामी साहब अन्या तई वफाकी हुकूमत या वजीर आजम या वफाकी वजीरन जे ज़हनन में या गाल निकती ना है रीकंसीडर कयो वने वजीर आजम जो चवण हो वजीर आला के मुखातिब थिंदे डायरेक्ट त वजीर आला सिंध न मामले के बंडल आइलैंड्स वारे के रीकंसीडर करे आई सिंध जी तरक्की थिंदी जेकर सिंध जी तरक्की थिंदी त मुल्क जी तरक्की थिंदी जें जे हवाले सा उन कुछ मुल्कन जो एग्जांपल पण दिनो त भई इंजन ऑफ ग्रोथ इंग्लैंड में लंदन आ हलाए तो सजे मुल्क के अमेरिका में न्यूयॉर्क आ पाकिस्तान अंदर कराची आ जको सजे मुल्क के हलाए तो हलाए सके तो इन जे हवाले सा उन वडी गालियु कयो त भई गजी वेही करे वफाकी सूबों ते गलाए सकन था एकडो बयो मामलो सूबाई हदुन अंदर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन सूबाई हदुन के जी जका सामुंडी पट्टी उनके कराची कोस्टल डेवलपमेंट मनसूबो शुरू किया उनके सीपेक में पिण शामिल किया तो चीन उन सीड़प कह $3 अरब की 23 सेप्टेम्बर से इनको ऐलान किया सिंध हुकूमत की इन में न मर्जी हुई न मंशा हुई सभी अग में बार बार गाल चुका वही मुझे पे तरक्की मनसूबो ना सिंध जो पाकिस्तान के हलाए हलाए खराए खराए थकड़ी पी है इन करो बार रखन यो वरी भी कराची शहर उनकी जमीन असीला दई बे दई पैसा पैदा करो पे सवाल यो कराची के अंदर भला जो वन बहराड़ी वाली कराची है भला जिते सिंधी सदन का आबाद है उनके गोठन में तो का तरक्की ना है कराची रूरल में का तरक्की ना है जिते सदन का वी मू आबाद है का तरक्की ना है तरक्की कहे ला ए वसीला कहे ला पैदा करो इन कर सी पैक में पैसा अचन या तमीनू टीमवाल कर या पैदा टाउन हो सब का पैरों सवाल तो यो है ये वसीला कहे कम इंदा ये वसीला कहजा तरक्की कहे ला पे इन में मकानी मानू शामिल ना मकानी माहौल शामिल ना जाहिरत यो नाजायज तरीको है हाँ जो तुम सवाल है वो यो चवण यो सूबाई हुकूमत से गी सिंध जो मानू समझे तो तो तरक्की जो अड़ो मॉडल वो सूबाई हुकूमत आने या मरकजी हुकूमत आने वो नाजायज है जो भी तरक्की जो मॉडल सिंध के मानु के मफाद में ना आम मानु के मफाद में ना सिंध के माहौल के मफाद में ना सिंध की जो हुकुमरानी जो हक है इन कर अग में सिंध हुकूमत लिखी ना तद भी सिंध के मानू मुखालफत कई हाँ भी जो अड़ो मनसूबो हों इन कर यो अख्तियार हक सिंध हुकूमत जो भी ना हुकूमत के मतलब यो थोड़ी हों तक हर शे के बारे में गलत फैसला करने जो अख्तियार है तक हुकूमत देने जो मतलब आको तेजे इलेक्शन मंसूर में चो हो जी जामी साहब वफाकी वजीर असद उमर इन गाल के दोहराइंदो रहो जडे उन पारा गाल बोल कई वही इन केसीआर मंसूबे जे इफ्तिताह वक्त उन जो चवण हो त वजीर आजम इन वक्त त कराची में केसीआर जो इफ्तिताह करे तो के फोर जे हवाले सा भी गाल कई वही बसेस जे मंसूबे जी भी गाल कई वही उन खान अलावा उन जो चवण तो 14 जे के सिंध जा ब्या जिला हन उए पिण तरजीह में शामिल हन उन में पिण पेशरफ्त जे को सो जल्द शुरू थींदी त मतलब मैसेज देण जो यो हो चवण जो गाल मैसेज यो हो कन्वे करण जी जरूरत हुई त भई सिर्फ कराची न उनन जी नजर में 14 ब्या जिला भी आहन जिन जे हवाले सा तरजीह बुनियादन ते जल्द कम शुरू थिंदो वो नजर त असा के किथे न थो अचे सो गाल याए त मिसाल तौर ये ताने बहरिया टाउन की स्कीम कराची में कायम थी अगला उन क्यू में सखर भी शामिल आए हैदराबाद शामिल आए नवाब शाह शामिल आए काफी इलाका शामिल या मिसाल तौर ऑयल एंड गैस कंपनी कम कन थू जिनमें तमाम नजरें कम कन थू सवाल यो है उ जिला तहजे रिश्ताबंदी में शामिल आन वसीलन के पैदा करण के लिए वसीला हासिल कर मोट में छो मिले मानुन के उन जिलों के इलाकन के उनके मकामी आबादियों के यो आसिल सवाल इन कर इमरान खान की हुकूमत यो फर्ज आ तो पैं तो पो पूरो मनसूबो पेश करें पैं पूरी रिथा पेश करें तो तेबल से आए
सिंध हुकूमत के भी यो अख्तियार न हों तो सिंध के बुनियादी मफाद के पासीरों करेंगुआ में कें स्कीम में हिस्सों बनजे इन कर ये ना तो कोई फकत सिंध हुकूमत के हा कर सिंध मू कबूल कह असल गाल मनसूब मकसद है उनके पोया इंसाबंदी कड़ी है तहो पसो पेश उन हदफ कड़ो है नजर तो कोई अचे तो हुकूमत के टेबल से आम मानू आन सिंध जहा मू आन सिंध जहा तालका जिला तरक्की इन कर तसो तो थरपारकर जिलो भी हर कोल का इन एजेंडा में तमाम तरक्याती उनमें शामिल घोटकी जिलो आहरा वसीला पैदा करे तो पर हालत दिसो उनकी तदीन है तुम ऐसो पाकिस्तान के तेल और गैस में घनी पैदावार भी कंट्रीब्यूट तो करे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किथे बीठो दादू है असो थीथर रेंज है सवाल यो आिल के शामिल था उन वसील के एक्सप्लॉइट करने ख्याल से वो पर उन्हीं वरे मकामी मानून के यो सवाल है जामी साहब तो सिंध हुकूमत इन हवाले से जैसे डायलॉग थन था वजीर आजम पारा ऑफर कई वही तो अचो गजी वो सूबाई हुकूमत के ताउन से ही असं ये मनसूबा शुरू करना चाहूँ था जैमें सिंध के आवाम की बेहतरी ए भलाई है तो सूबाई हुकूमत के एतमाद में वरतो वो जैसे सूबाई हुकूमत के एतमाद में वरतो तो वे तो सिंध सरकार या पीपल्स पार्टी आवाम के एतमाद में वी छो सिंध जो शऊर बेदार थी चुको है बंडल आइलैंड के हवाले से जो मजामत थी जो एहतजाज थे सिंध हुकूमत की एनओसी दियण बावजूद वफाकी हुकूमत के इन मामले का पोते हटणो पयो तो ता समझो था ता इन मामले ते जेकर सूबाई हुकूमत के एतमाद में वरतो तो वने उनजा तहफुजात इन केस अगर खत्म किया ता वने ता सूबाई हुकूमत आवाम के एतमाद में वठंदी दिसो सबिन गाल आए त सिंध हुकूमत पाण दुरुस्त गाल की सिंध हुकूमत के एतमाद में वठण यो अद कम आ या तकाजा कानूनी ए आईनी तकाजा है जाहिर आ त फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली नथी कर सके तो सिंध हुकूमत की वी ऑन बोर्ड पर असल उनके बो पासो यो सिंध हुकूमत केतरी ट्रांसपेरेंस कम थी करे सिंध हुकूमत उ मनसूबा सिंध असेंबली में केतरो थी पेश करे बहस मुबाहिसे के लिए आवाम के सामू दुनिया सदी में तय खबर आ तो जैसे उनके तरक्याती इच्छाओं हुई तो उन पब्लिक पॉलिसी ठहरी उनते पब्लिक जो ओपिनियन इन मानन जो उनते गुफ्तगु थी मानन जो मौको सामू इन इन करे फेडरल गवर्नमेंट रुगो सिंध हुकूमत के राजी करे यो असांखे कबूल ना है छाकाण त सिंध हुकूमत जो रिकॉर्ड तो बेहतर ना है तो हुकूमत इन का अगे में भी कुछ जगह है भाई तहां सा केतरा वायदा कया है दरिया टाउन सा कया है उए रिकॉर्ड के इन करे हुकूमतन के कुछ जगह में जुगाड़न जरिए राजी करे तहां पया मसूआ शुरू कयो यो ट्रांसपेरेंसी सा कयल अमल ना है सवाल यो आज तहां वा रिथा पेश कयो उन रिथा दे केर बेनिफिशियरी होंगे उनकी आमदनी केतरी होंगी वह किथे खर्च थी ये सब उनका दायरा का जरूरी पासा है इन कर सिंध हुकूमत जो को भी एग्रीमेंट तेस तीन जायज न समझो वो जेस तीन उसे सिंध के मानू जो एग्रीमेंट ना सिंध की असेंबली जो एग्रीमेंट ना सिंध के वसीतर आवाम के सामू वो पेश न करो इन कर ना तो कोई फकत काबीना के अख्तियार है हर कोई फैसले जो मामला तुम ऐसो हुकूमतन के सभी हुकूमतन के अख्तियार फकत एतरो आए जेको हमन इलेक्शन मंसूर में चयो हो उन्ही सिलसिले में पानी गिरफाउ दे ये थोड़ी आज ता हुकूमत में इतन का बादशाह आयो ता के जेको दिल में इंदो मन में इंदो ता वो सब कलो इन करे सिंध हुकूमत खबर ना है के हेस ताई उनजो छा सामो आयो पर माजी उनजो इतरो बेहतर ना है उनजो पांजो कंडक्ट बेहतर ना है ट्रांसपेरेंट ना है उनका अलावा हुकूमत ब्लैकमेल थे हुकूमत जहाँ जुगाड़ी कम थे हुकूमत यरगमाल नेबर ये सब वो घने वागे पार्टी जहा सरबराह पार्टी जहा वा मू हुकूमत जहा मू ये नेबर फाटा पाया नेब से गुड जायदारा सरकारी फाटा पाया सिंध जहा इन उन्होंने जाहरी तरीके से दबा वी या लिखल तरीके से ब्लैकमेल कर फैसला करा सकता पर उ कबूल जुगा न हूँ इन करे ही जो इमरान खान के सिंध ला दर्द जो है वो हेस तक नजर ना आयो टी साल में इमरान खान को सिंध में कुछ भी हो टे साल तुम सिंध के अंदर तो कुछ न कर सकया हो बो तो बो पर सिंध के हवाले से जी आईनी तकाजा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जी अर्ली तरमीम से अमल करण की जी 50% रॉयल्टी दियण की जी एस टी ऑन सर्विसिस सूबे के दियण की तुम किथे अमल किया
हाँ सवाल यो अड़ी हुकूमत अग में ही आइनी तकाजाओं के नी पूरो करे सूबाई मुख्तारी के कबूल नी करे आइनी इदार के लताड़े थी उनके सिंध के लिए अड़ो दब जागी पो इन जाहरात असते को भी एतबार ना जो भी मनसूबो हों मनसूबो जैस तीन सिंध जो आवाम सिंध की साजा सिंध जो शऊर कबूल न कह उनके ओपन रखो वो ट्रांसपेरेंट रखो वो जैस तीन कुछ जगह में कल को भी मनसूबो भले सिंध हुकूमत राजी नी वे तब काबिल कबूल न हों वही मेहरबानी जामी चांडियो साहब तुम प्रोग्राम में मौकफ देने के ज्वाइन कर नाजरीन हॉटिश प्रोग्राम के वक्त पिणे पुजाणी पहुंचे तो इंदड़ प्रोग्राम तीन इजाजत अल्लाह वाही।